वेलकम टू द वीडियो द सेकंड पार्ट वाई टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश क्यों सीखी जाए। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए एंड आई होप के आपको मेरा जो है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो है आपको कुछ ना कुछ का फ़ायदा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, एक एम्प्लॉय को, एक मुलाजिम को, एक नौकरी पेशा शख्स को इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। मैं ट्राई टू कीप सिंपल, इसको मैं सिंपल रखना चाहूँगा ताकि आप जो है वो आसानी से समझ सकें और कोशिश करें कि आप लैंग्वेज सीखें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अगर आप मेल हो या फीमेल, जो भी आप हो और आप जॉब कर रहे हो, आई बिलीव दैट आपको ज़्यादा ज़रूरत है लैंग्वेज सीखने की। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो एक नौकरी पेशा है और वो जो है लेबर तबके से ताल्लुक़ रखता है, बहुत निचला तबका होता है हमारे यहाँ नौकरी में, फैक्ट्री में जॉब कर रहा है या किसी तरह के कोई इदारे में जॉब कर रहा है और जॉब्स कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो है उसमें ये इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर कम पढ़ा लिखा शख्स या बिल्कुल जो शख्स बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल अंगूठा छाप हो, वो शख्स इस नौकरी की तरफ जाते हैं। वो समझता है कि मैं जो है ऊंची नौकरी या मैं अच्छी पोस्ट की नौकरी नहीं कर सकता। अपन तो ये सोच गलत है, ठीक है, अपन तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप अगर कोशिश करें अपने स्किल्स को, अपनी महारत को आप बेहतर से बेहतर बनाएँ तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सोच पर जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अब एक एम्प्लॉई शख्स को लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, उसको किस तरह उसको फ़ायदा पहुँचता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर मजदूरी का ज़्यादा मजदूरी करते हैं आप किसी ऐसी कंपनी में या फैक्ट्री में, और ये है कि ज़्यादातर कोई काम होता है तो उसमें ये क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं या जो हमारे हमें जो हेड कर रहे होते हैं या नॉर्मली जो हमें देख रहे होते हैं फॉरमैन लेवल के, तो वो थोड़े बहुत पढ़े हुए होते हैं, बात का ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, तो वो नोट कर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमें देखते हैं। तो अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश कर कर अपनी इंग्लिश को रोज़ की बुनियाद पर, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज सेंटर में जाकर आप लैंग्वेज कोर्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आप जो है बहुत अच्छे जो है वो अलग से टाइम नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट मुख्तलिफ वजूहत या टाइम नहीं है या जो है वो थोड़ा सा शर्म का जो है फैक्टर है, कोई घबराहट है बच्चों में कौन बैठेगा, दोबारा कौन पढ़ेगा, ये सब जो है मेरे ख्याल में इन बातों को छोड़कर, क्योंकि ये ज़बान है, ज़बान किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस इस सोच का थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये कि थोड़ी सी सोच आपको बदलनी होगी, क्योंकि आप लैंग्वेज सीखेंगे तो फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। तो ये कि रोज़ की बुनियाद पर अगर आप कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं जहाँ पर आप थोड़ी बहुत रोज़ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख सकते हैं। पहली बार में नहीं आएगा, एक हफ्ता, एक दो हफ्ते, एक महीना लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रोज़ की बुनियाद पर थोड़ा टाइम निकालेंगे तो आप रोज़ की बुनियाद पर कुछ ना कुछ कुछ नहीं तो एक बार तो ज़रूर ही सीखेंगे ना। तो वो सीख कर आप थोड़ा बहुत टूटी फूटी गिट पिट अगर आप करेंगे लोगों से या बात करेंगे या आप कोशिश करेंगे डिस्कस करने की या उसी को बैठ कर अकेले बैठ कर आप देख रहे हैं तो आपको देखने वाले जो आपके सीनियर्स हैं ना वो नोट करते हैं, यार इस शख्स में बात है, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, कोशिश कर रहा है सीखने की, आप समझें। ये हमारे ऊपर है, हम जो करते हैं, हम जो है वो जो आप समझ, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, जो हम करते हैं ना वही लोग ऑब्जर्व करते हैं या लोगों को हम वही ऑब्जर्व करवाते हैं जो हम करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज तो नहीं हुए आप? मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा हूँ कोई भी चीज़, अखबार पढ़ रहा हूँ या मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहा हूँ, मालूम चीज़ को देखने वाले के यार ये मालूम मतलब ये अखबार पढ़ रहा है, थोड़ा सा नॉलेज, तो आप समझ रहे, कुछ सोच रहा है इस चीज़ में, पढ़ मैं रहा हूँ, मैं उसको मजबूर नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और उसके जहन में कुछ बातें चल रही हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह नोट करते हैं लोग हमारे सीनियर्स में। अगर आप थोड़ी हाई लेवल पर जो है अगर आप जाते हैं, आप ऑफिस लेवल की जॉब कर रहे हैं या अकाउंट मतलब कोई भी जॉब कर रहे हैं ऑफिस लेवल की, चाहे वो एडमिन में हो या एचआर में हो या
कोई भी जॉब की, कोई भी लेवल की, कोई बहुत अच्छी पोस्ट नहीं, मैनेजर लेवल के नहीं, क्लर्क लेवल के आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आपके जो है वो स्टडीज आपने पढ़ा होता है, आप मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएट हो, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती आपको, तो आप खुद भी नोट करते हैं कि बॉस से नॉर्मली जो बात करते हैं बॉस किसी भी फॉर्म किसी भी कंपनी का, तो उससे जो है वो कम्युनिकेशन आपकी होती है, बातचीत होती है, तो अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को कोशिश करें इंग्लिश में बॉस से बात करने की या अपने सीनियर से बात करने की, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है सामने वाले को, जो है ना ये वो ऑब्जर्व कर देंगे, यार ये बंदे ने एक बात है जो कोशिश कर रहा है एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं, ये एक थोड़ा ये अलमिया हम जो है वो लैंग्वेज को जो है वो नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं अपना जो है, बारह ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश एक जबान है, लेकिन आप बस समझ रहे हैं कि जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो है सारी जो है एफर्ट्स कर रहे होते हैं वो सैलरी के लिए कर रहे होते हैं, जो हमें अमाउंट मिल रही होती है, तो जितना अच्छा हमारे स्किल्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे सीनियर्स इम्प्रेस होंगे, तो हमें जो है वो प्रमोशन का जो है हमारे पास चांस होता है, इम्प्रेस करने से क्या होता है अच्छी मतलब पोस्ट मिल जाती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, इससे हमारी सैलरी में मामूली भी फ़र्क है तो बहुत हो जाता है, आप समझ रहे, तो इससे जो है फर्क पड़ता है, आप खामोश रहे, आप जैसे गुजर रही है वैसे ही गुजार रहे हैं, वैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन ये कि थोड़ा हाथ पर मारने से, थोड़ी कोशिश करने से आई बिलीव दैट फर्क पड़ता है। और इससे पहले अगर हम बुनियाद की तरफ आ जाएं, आप इंटरव्यू आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये तो आप खुद समझदार हैं कि कितने पापड़ बनने पड़ रहे, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कन्विंस करना होता है अपने इंटरव्यूअर को कि यार मुझे वो चीज़ आती है, और इंग्लिश लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके ज़रिए जिस जबान में बात करते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना, और फिर हाई लेवल पर तो फिर ये कि जितनी अच्छी पोस्ट होगी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है। और ये है कि मैं इसमें एक छोटी एग्जाम्पल दूँगा मेरे एक दोस्त की, कुछ बड़ा मामला कुछ यूँ था कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, लेकिन ये कि उसकी जो जॉब थी वो ज़्यादा जो है वो बात नहीं कर रहा था, वो मतलब ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठ के ऑपरेट करता था, ठीक है, अब देखिए हुआ क्या उसके साथ, कंपनी का जो है वो बाहर से जो है कुछ फॉरनर्स आए इंग्लिश का जो है जो इंग्लिश में बात कर रहे, ज़्यादातर जो कंपनी में, क्योंकि इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है ना, अब चाहे वो चाइना से हो या जापान से हो या किसी भी मुल्क से हो, बिजनेस लैंग्वेज में ज़्यादातर इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है, तो बहुत अच्छी इंग्लिश जो है उस दोस्त को आती थी मेरे, ठीक है, अब क्या हुआ कि थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गई कि भाई जो है इंग्लिश के लिए ना एक बंदा चाहिए जो अच्छे से जो है ना वो कंपनी का एक अच्छा मैसेज जाए, ठीक, वो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, ठीक है, अब मैं आपको आप समझिएगा, आप इस बात इस एग्जाम्पल को आप अपने ऊपर रखिएगा ज़रूर, ठीक है, या आपको भी जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो आपके लिए। हुआ यूँ कि बता था कंपनी के कुछ लोगों के यार ये बंदा उसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, थोड़ी इसकी इंग्लिश स्किल अच्छी है और वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, तो बात से बात निकली, बात पहुँची सीनियर्स को, सीनियर्स ने उसे बुलाया कि भाई आप आओ और जरा बात की, बॉस है तो बॉस ने कहा ठीक है चलो कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है, और ये कि बॉस से अपने साथ रखा और बात की और कंपनी के बारे में उसने बताया, और हुआ ही हो कि वो उसका जो है ना बोला चल पड़ा, ठीक है, और ये कि उसने वाकई में क्योंकि उसमें स्किल थी और उसने अपने आप को मनवा लिया, और हुआ ही हो कि उसकी फिर आप समझ उस कितना जो है वो उसके लिए पॉजिटिव साबित हुआ ये इंसिडेंट, तो ऐसा होता है, ठीक है, देखो कोई चीज़ थी तो काम आई ना, तो आपने उसको ना कम नहीं समझना, आपने सीखना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन, आप ये चीज़ याद रखें, आप बिलीव रखें कि कभी भी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं जाती, तो एज एन एम्प्लॉई आप कभी भी जो है हर वक्त में उसकी एक और एग्जांपल है, ये हर कंपनी में तो ज़रूरत आ गई है ईमेल्स के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, आपको कुछ टाइपिंग करना हो, अक्सर बोले लोग बोल लेते हैं टाइपिंग करना बड़ा मुश्किल आता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती है, तो अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी तो आप भी जो है अपने सीनियर्स की नज़रों में होते हो और वो आपको ये काम देते हो और इससे आपको प्रमोशन का या अच्छी पोस्ट का चांस होता है, ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आपके लिए सीखना ज़रूरी है।
नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है।